हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। मिलेट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये हम सब जानते हैं। आज हम बानियान मिलेट को यूज करेंगे और बनाएंगे दो तरीके से इसका डोसा। एक होगा प्लेन और दूसरा होगा चाइनीज फिलिंग स्टफ करके। हियर इज द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमें लगेंगे इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए यहाँ पे दो बोल्स में ले रही हूँ। पहले बोल में मैं डाल रही हूँ एक कप बानियान मिलेट और दूसरे में मैं डालूंगी एक चौथाई कप उड़द दाल। मैंने यहाँ पे साबुत या गोटा वैरायटी ऑफ उड़द दाल लिया है, आप धुली उड़द यानी कि स्प्लिट वैरायटी ऑफ उड़द दाल भी ले सकते हैं। इन दोनों चीजों को मैं अच्छे तरीके से पानी से धो लूंगी। उसके बाद अब हमें इन्हें भिगो के रखना है। इन दोनों बोल्स में मैं सफिशियंट पानी डाल दूंगी साथ ही में डालूंगी मैं एक टीस्पून मेथी दाना और अब इन सब चीजों को मैं भिगो के रख दूंगी 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। आफ्टर अबाउट 8 आवर्स जब आप इन्हें देखेंगे तो यू कैन नोटिस कि दोनों ही फूल के अपने वॉल्यूम में डबल हो चुके हैं। लुक एट दिस। अब इन्हें पीसना है हमें, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है। मैं यहाँ पे एक तीसरा बोल ले रही हूँ और इसमें लूंगी मैं एक कप पोहा। ये थिन वैरायटी ऑफ पोहा है और इसको भी मैं धो के 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। पोहे को बहुत ज्यादा सोकिंग टाइम नहीं चाहिए, ये 10 मिनट ही सफिशियंट है इसे भिगोने के लिए। और इसे भिगोने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, बस उतना ही पानी डालिए कि ये उसमें डूब जाए। दैट्स इट। अब जब तक हमारा पोहा भीगेगा उतनी देर में हम सबसे पहले मिलेट को ग्राइंड करना शुरू करेंगे। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार में मैं ले रही हूँ अपना भीगा हुआ बानियान मिलेट। जिस पानी में मैंने इसको भिगो के रखा था वो बिल्कुल हटा दिया है और सिर्फ मिलेट मैं ग्राइंडर जार में ले रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे बिल्कुल बिना पानी के ग्राइंड करना है और एकदम स्मूथ पेस्ट करना है। अगर जरूरत पड़ती है तो आप एक एक चम्मच करके ही पानी का इस्तेमाल कीजिए इसे ग्राइंड करने के लिए। जिस पानी में आपने इसे भिगो के रखा था आप वो पानी यूज कर सकते हैं ग्राइंड करते वक्त। मैंने यहाँ पे ग्राइंड करते वक्त बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया और ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गई है। अच्छे से मिक्सी के ग्राइंडर जार को 2-3 मिनट चलाइएगा ताकि पेस्ट एकदम स्मूथ हो जाए। अब जब ये पेस्ट के रेडी हो चुका है तो नेक्स्ट हम पीसेंगे उड़द दाल को और पोहे को। उड़द दाल का भी पानी मैंने हटा के रख दिया है जिसमें मैंने उसे सोक किया था। पोहे का मॉइस्चर सफिशियंट होगा उड़द दाल को ग्राइंड करने के लिए, इसलिए हम इन दोनों चीजों को साथ में ही ग्राइंड करेंगे। जस्ट इन केस अगर आपने पोहा भिगोते वक्त पानी बहुत ज्यादा डाल दिया है तो ग्राइंड करने से पहले पानी छन्नी से छान लीजिए, बिकॉज ग्राइंड करते वक्त हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। इन दोनों चीजों को भी ग्राइंड करते वक्त हमें मिक्सी को बहुत अच्छे से 2-3 मिनट तक चलाना है बिना पानी के, या फिर अगर जरूरत पड़े तो एक एक करके चम्मच ही पानी डालेंगे। इतने अच्छे से इसे ग्राइंड करना है कि जब ये पिस के रेडी होए तो ऑलरेडी आपको नजर आएगा कि ये बहुत फूल के लाइट हो चुकी है और एकदम स्मूथ भी हो चुका है इसका टेक्सचर। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी मिक्सी आपने कम चलाई है, इसे थोड़ा और ग्राइंड कीजिए। मैंने यहाँ पे भी इसे ग्राइंड करते वक्त बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे कि मैंने कहा पोहे का मॉइस्चर सफिशिएंट था दाल को ग्राइंड करने के लिए। यह बैटर हमारा पिस के एकदम तैयार है। इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप हाथों से मिक्स करते हैं तो वो और भी अच्छा है क्योंकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। आपके हाथों की गर्माहट से भी फर्मेंटेशन अच्छा होता है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स। ये देखिए बैटर काफी थिक है, ये रनी बैटर नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वरना बैटर ठीक से फर्मेंट नहीं होगा। सो इसको सेमी थिक ही रखना है। बस अब इसको हमें छोड़ देना है फर्मेंटेशन के लिए फॉर द नेक्स्ट 8-10 आवर्स। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप 10-12 घंटे तक भी छोड़ सकते हैं इसे फर्मेंटेशन के लिए, या फिर इसे एक गर्म कपड़े में लपेट के तब रखिए फर्मेंट होने के लिए। गर्मियों में 8-10 घंटे बहुत होते हैं इस बैटर को फर्मेंट करने के लिए। ओवर फर्मेंट कर देने से भी ये बैटर खराब हो जाता है। नाउ वी लीव दिस फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स टू फर्मेंट। 8 घंटे हो चुके हैं, अब इस बैटर को चेक करते हैं।
लुक एट दिस, मैं इसका क्लोजर लुक आपको दिखाती हूँ. दिस लुक्स वेरी एयरी, लाइट एंड वेल फर्मेंटेड. आप देख सकते हैं कि इस बैटर में बहुत अच्छे से एयर बबल्स आ गए हैं. ये निशानी होती है कि ये बैटर बहुत अच्छे से और परफेक्टली फर्मेंट हुआ है. अगर इस तरीके से आपका बैटर फर्मेंट नहीं हुआ है, दैट मींस कि इसके डोसे या इडली बहुत अच्छे नहीं बनने वाले हैं. अब मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी. ये बैटर डोसा बनाने के लिए काफी थिक है. हमें डोसा बनाने के लिए एकदम पोरेबल कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, तो हम इसमें पानी डाल के इसे पतला कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक बैटर होगा तो वो तवे पे आराम से फैलेगा नहीं और डोसा उसका ठीक बनेगा नहीं. अब हमने इसमें पानी डाला है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से नमक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं. दिस लुक्स गुड टू मी एंड ये डोसा बनाने के लिए रेडी है. लेकिन उससे पहले चलिए एक फिलिंग बना लेते हैं. रेगुलर फिलिंग नहीं करेंगे इस डोसे की, थोड़ी हटके करेंगे. वी विल बी मेकिंग अ चाइनीज फिलिंग टुडे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल ले रही हूँ, अराउंड 2 स्पून. जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन. इसको हम अच्छे से चला लेंगे तब तक जब तक कि इसका रॉ फ्लेवर चला ना जाए. दिस विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स. अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटा प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है. प्याज हम तब तक चला लेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए, हल्का सा गुलाबी होने लग जाएगा. ये बहुत ज्यादा इसे सौटे नहीं करेंगे, ब्राउन इसे नहीं होने देना है. नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ कैरेट जूलियंस, यानी कि गाजर को मैंने बारीक एकदम पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है. इसको भी सौटे कर लेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स. बहुत ज्यादा सब्जियों को हमें नहीं चलाना है, इनका क्रंच यानी कि इनकी बाइट हमें फील होनी चाहिए फिलिंग में. नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च. मेरे पास हरी शिमला मिर्च थी तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ. आप पीली या लाल शिमला मिर्च का भी यूज कर सकते हैं. इसको भी मैंने पतला पतला और लंबा लंबा काट लिया है. इसको भी सौटे कर लेते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स. और नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी पत्ता गोभी. ये भी पतली पतली और लंबी लंबी ही कटी हुई है. सारी सब्जियां हमने पतली पतली और लंबी लंबी काटी हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम चौमिन या नूडल्स में डालते हैं. इन सबको हम ज्यादा नहीं चलाएंगे, सिर्फ कुछ सेकेंड्स का ही सौटे देंगे ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे. नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 स्पून के करीब सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप. एक बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस. अगर आप ज्यादा स्पाइसी प्रेफर करते हैं तो शेजवान चटनी या सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है. नमक मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार. बी वेरी केयरफुल इन एडिंग सॉल्ट, बिकॉज हर सॉस जो हमने यूज की है उसमें भी नमक होता है. काली मिर्च जाएगी अराउंड 1/2 चम्मच. इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए एंड दिस फिलिंग इज रेडी. गार्निश कीजिए कुछ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ. And this is ready. ये filling डोसे में बहुत ज़्यादा tasty लगती है, so do give it a try. अब डोसा बनाने की तैयारी करते हैं. यहाँ पे डोसा तवा गरम हो चुका है. इस पे मैं drizzle कर दूँगी थोड़ा सा oil. आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, up to you. Batter को अच्छे से हिला लेंगे एक बार तवे पे डालने से पहले, और 1 या 1.5 करछी भर के इसके ऊपर हम इसे स्प्रेड कर देंगे. ये देखिए बैटर एकदम अच्छे से पतला था, इसलिए आराम से तवे के ऊपर स्प्रेड हो गया, और तवा भी अप्रोप्रिएटली हीटेड था. यानी कि अगर बहुत ज्यादा आपका तवा गर्म होगा तो भी ये बैटर तवे के ऊपर ठीक से स्प्रेड नहीं होगा. इसे फुल फ्लेम पे ही पकाएंगे. थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर भी ड्रिजल कर रही हूं, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी. थोड़ी देर में आप देखेंगे कि डोसे ने तवे के साइड छोड़ दिए हैं. ये नीचे से पक चुका है, ऊपर से आप इसमें ब्राउन पैचेस भी देख सकते हैं. इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसे फ्लिप करके दूसरी तरफ भी पका सकते हैं, बट ये इतना पतला और क्रिस्पी बना है कि दूसरी तरफ पकाने की जरूरत नहीं है. दिस इज एज इट इज रेडी टू बी सर्व्ड.
नेक्स्ट स्टफ्ड डोसा बनाते हैं। तवा ऑलरेडी हमारा गरम है, थोड़ा सा ऑयल में वापस से ड्रिजल करूंगी और इसके ऊपर हम बैटर स्प्रेड कर देंगे। एक बार वापस से बैटर को अच्छे से हिला लेंगे और करछी भर के हम तवे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये स्टफ्ड डोसा मैं थोड़ा सा छोटा ही बना रही हूँ और प्लेन डोसे की तरह एकदम पेपर थिन नहीं बनाऊंगी। जब ये ऊपर से आपको हल्का सा ड्राई होता नजर आए तो ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर दीजिए। बहुत ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा ऑयली बनते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। डोसे ने तवे के साइड छोड़ दिए हैं, दिस इज द राइट टाइम टू फ्लिप इट ओवर। इसको फ्लिप करके हल्का सा मैं दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लूंगी। ये वाला डोसा एकदम पेपर थिन मैंने नहीं बनाया था लाइक द प्लेन वन, इसलिए मैं इसको दूसरी तरफ से भी हल्का सा क्रिस्प कर रही हूँ। जब ये नीचे से भी अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, इसे पलट के हम इसके अंदर फिलिंग जो हमने बना के रखी है वो डाल देंगे और बस इसको फोल्ड करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो रेडी टू बी सर्व। मिलेट्स आर एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस, ग्लूटेन फ्री, रिच इन फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी इनमें बहुत ज्यादा होती है, सो इनको हमें अपने डाइट में जरूर कंज्यूम करना चाहिए। डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एंड शेयर योर फीडबैक विद अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंजॉय दीज यमी डिलिशियस डोसास गर्मा गर्म विद सांबर एंड कोकोनट चटनी। जब आप ये डोसा बनाएं तो हमारे साथ अपनी पिक्चर जरूर शेयर करें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, दोनों ही जगह हमारा आईडी है बाय द नेम नर्चरिंग होम्स। आई होप यू एंजॉय टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन सून। बाय बाय।